अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, या कोई नहीं कर सकता है, तो अपना इंतजाम कर लो यहां से बाहर रहने का, क्योंकि आज से शर्मा निवास पराठे वाली गली दिल्ली 6 की मालकिन इंदिरा शर्मा है। ये क्या कह रहा है तू? कैसे ये घर की? ये तो लाचार थी ये लाचार। अब नहीं है, हाथ में ताकत है इनके, सिंगनी है ये इस घर की, शर्मा निवास नाम के जंगल की सिंगनी है ये। अगर सिंगनी की मांड में रहना है तो इनकी सेवा करनी होगी, सर झुकाना होगा इनके आगे। ये पूरी जायदाद इनकी है और जब तक जिएंगी इन्हीं की रहेगी। पर एक वादा और करता हूं आप सबसे, हम सबसे ज्यादा जिएंगी, लिख लो, क्योंकि मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ, शक्लों पे 12 कैसे बच गए आप लोगों की? ये सच है और सच के साथ रहने की आदत डाल लीजिए। हेलो, मेरा काम और भी आसान हो गया, तुम फिक्र मत करो, सही रास्ता मिल चुका है, तुम्हारे पैसे जल्दी से जल्दी तुम्हें पहुंच जाएंगे। आंखें खोलिए, हिम्मत कीजिए, आंखें खोलिए, चलिए, शाबाश, आंखें खोलिए ना, उठिए, आपको लड़ना होगा, उठिए ना आप। अगर आप नहीं उठेंगी ना तो इन लोगों की जीत होगी और आपकी हार, और यही ये लोग चाहते हैं, बहुत चाहे आपने, आपको लड़ना है आज। आंखें खोलिए, हर इंसान को हक होता है उसके हिस्से की खुशी पाने का, आपको भी हक है, आंखें खोलिए, हर इंसान को हक होता है उसके हिस्से का आसमान, उसके हिस्से की जमीन पाने का। उठिए श्रीमती जी, अपना हक छीनिए, आंखें खोलिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए, खोलिए ना, शाबाश, आंखें खोलिए, हिम्मत कीजिए उठने की, चलिए शाबाश, उठिए, लड़ना है आपको, उठिए, चलिए शाबाश, हाँ वेरी गुड, उठिए, कोशिश कीजिए, चलिए शाबाश। क्या करें, क्या हुआ, क्या? नहीं, डरने की जरूरत नहीं आपको, मैं हूं ना आपके सामने, ऋषि खड़ा है ना, ऋषि है, हाँ उठिए, क्या नहीं डरिए मत, ओए गोलू आपने, नहीं, अच्छा। उन इस मासूम सी बच्ची का इन्होंने जानबूझकर नहीं किया ये सब, ये आप सब लोग जो अंदर पाखंड करवा रहे थे ना हवन के नाम पर, उसकी वजह से हुआ ये, हर जगह आग दिख रही है इनको, देख नहीं रहे हो कितनी डर गई है, सहम गई है, बुरी आत्माओं का साया है, बस बंद कर अपना पाखंडो पाखंडी औरत, और ये जो करना है ना ये बाहर किसी चौराहे पर या सर्कस में जाकर करो, जाइए हमारे घर से, यहाँ कुछ नहीं होगा, चलिए। इस मासूम के खून के एक एक कतरे का बदला मैं लूँ।
अपनी तांत्रिक शक्तियों से पागल की आत्मा को ऐसा बांधकर तड़पाऊंगी, सब देखेंगे। अभी तो सिर्फ इस पागल लड़की को आग दिख रही है, सबको नजर आएगी। ओ मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाए बच्चे। अरे ओ बेटे, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ ऋषि है। हाय रब्बा, देवी माँ का क्रोध जा गया है, देवी माँ क्षमा कीजिए। अब बता कौन है पाखंडी, तुझे भस्म कर दूं मैं पागल मनुष्य, बोल क्या चाहता है तू? अभी के अभी बंद कर अपना पाखंड, समझी? ये सब आगे होंगे आपके झांसे में, मैं नहीं आने वाला हूँ। तो कौन लेकर आया इनको यहाँ? जो भी लेकर आया है इसको बोलिए यहाँ से अभी के अभी चली जाए, नहीं तो पुलिस आएगी, इज्जत के साथ आरती उतारते हुए बाहर लेकर जाएगी। शर्म नहीं आ रही अभी तक, यहीं पर खड़ी है, चलिए बाहर, चलिए। ऋषि बस कर, एक बात बता, तू समझता क्या है खुद को? हाँ, इंदिरा का घर वापस इंदिरा के नाम करके तू क्या महान बनने की कोशिश कर रहा? तो बस कर ऋषि, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। तू कौन होता ही नहीं है घर से बाहर निकालने वाला, कौन होता है तू इस घर का फैसला लेने वाला? अरे बता कौन है तू? मैं इस घर का, क्या हुआ ऋषि कुमार? बोलती बंद हो गई ना? हाँ, क्योंकि अब तू इस घर का कोई नहीं है। क्योंकि अब तेरा और इंदिरा का कोई संबंध नहीं है। हाँ, तेरा रिश्ता था जब ये घर तेरे नाम था, लेकिन तूने खुद वो घर इंदिरा के नाम करके वो रिश्ता हमसे तोड़ दिया है। अरे इंदिरा तो पहले भी हमारी बेटी थी और आज भी हमारी बेटी है, हम सब अब भी उसके अपने हैं, लेकिन तू अब पराया हो गया है, पराया। सुना तूने ऋषि, अब तू पराया हो गया है। क्योंकि अब तू सिर्फ इसका पति है और कुछ नहीं। वाह वाह जारा, क्या तोहफा दिया है तेरे पति ने तुझे। अरे छत छीन कर किसी और के नाम कर दी इसने, अब दर दर की ठोकरें खाओगे तो भिखारी ही कहलाओगे ना। सही कहा माँ, अभी तक जो कुछ भी कहा सब सही। एक चीज भूल गई हैं, हिंदू मेरी बेटी है, तो उस नाते इस घर से मेरा रिश्ता भी। हिंदू को प्रॉमिस किया मैं कि उसकी माँ इंदिरा शर्मा को ठीक करके रहूंगा, तो जब तक हिंदू की माँ को ठीक नहीं कर लेता मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। इतनी ही परवाह है अपनी बेटी की,
तो इसकी बात क्यों नहीं मान लेते? डॉक्टर ने जो नुस्खा बताया है इसकी माँ को ठीक करने के लिए, वो क्यों नहीं कर लेते? वैसे क्या नुस्खा बताया था डॉक्टर ने? क्या कहा था करने को? शारीरिक संबंध। हाँ यही। तो फिर कर क्यों नहीं लेते? बहुत शौक है ना अपनी बेटी का वादा निभाने का, तो निभाते क्यों नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है ना कि ये नहीं हो सकता। ऋषि कुछ कुछ बोले ना इन लोगों को, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। कुछ बोलते क्यों नहीं है, चुप क्यों है आप? भाई तुमसे तो हमारी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली है, इसलिए मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से और हमें अपने तरीके से अपनी बेटी का इलाज करने दो, समझा आप? तू आइए गुरु माँ, चलो। ऋषि कुमार वो मेरी मम्मी को लेकर जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, प्लीज रोको उन्हें। बहुत कर ली नौटंकी तूने, चल। अरे चुप कर, मारूंगी लियाना। ऋषि कुमार हटिए, इनको ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा सब करूंगा, यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी बनाऊंगा। अगर मेरी इंदिरा ठीक नहीं हुई ना तो ओ नानी वो दिन कभी आएगा ही नहीं, मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। नानू आप मेरे साथ बाहर आ रहे हो, कुछ जरूरी काम है। चलो। और हेलो आंटी, मेरे ऋषि कुमार मेरी मम्मी को ठीक करके ही रहेंगे, इसीलिए आप अपना वो सब बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। टाटा। चलो नानू। चलो इंदु, मैं भी आती हूँ। हाँ, चलो। ओ मैं ग्रीम क्रीम चामुंडा है विच अपमान, घोर अपमान। एक साध्वी के साथ इतना पतित व्यवहार, हमारे जाने का प्रबंध करो। नहीं, क्षमा गुरुमा, क्षमा, क्षमा कीजिए। गुरुमा आपने खुद देखा है कि इस घर में कैसे ना समझ लोग हैं। वो क्या जाने कि आपकी महिमा क्या है, मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है गुरुमा, जरूरत है हमें। हाँ गुरुमा नीचे आ जाओ, गुरुमा
अपने गुस्सा थूक दो गुरु माँ, नीचे आ जाओ ना यार, प्लीज कम डाउन। मैं ग्रीम क्रीम चामुंडा है बच्चे। थैंक यू गुरु माँ। ऋषि कुमार ने निकट भविष्य में अगर आने वाली किसी भी मुसीबत से बचना चाहते हो तो आने वाले चार पहर लगातार अनुष्ठान करना होगा। और याद है, इस बार कोई विघ्न और बाधा नहीं आने चाहिए। जी जी जी, जी गुरुमा। कल्याण बोलो बोलो, गुरुमा की जय। आइए गुरुमा। इनको ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा सब करूंगा, यहां तक कि शारीरिक संबंध भी बनाऊंगा। थैंक यू नानू, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। और बताओ मेरी मम्मी को क्या चाहिए उनको ठीक करने के लिए? फूल। हाँ भाई, अरे ये तो बहुत जरूरी चीज है, आओ खूब सारे फूल लगेंगे। मैं डालता हूँ। सॉरी सहर, वो मम्मी डर गई थी ना, इसीलिए तुझे धक्का मारा। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? तुझे गुस्सा तो नहीं है ना? बुद्धू, मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी बुआ जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन उस गुरु माँ ने जब मुझे गिरने से बचाया ना इंदू और छुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। तुमसे बच कर रहना, पता चला उन्होंने तुझको जादू कर दिया। 320 रुपए हुआ। हाँ ये ले भाई, ये 300 और ये 20। धन्यवाद। देखो बेटा, रंग बिरंगी फूलों से हमारी पूरी टोकरी भर गई। चले। हाँ नानू, और इस इलाज से मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अरे कैसे ठीक हो जाएगी, जारा ऋषि को कभी इंदिरा के करीब जाने ही नहीं देगी। आपकी बात में तो दम है मम्मी जी, एक औरत रोटी बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं। हाँ। तेरा बाप नेता था क्या मम्मी? क्या तूने राजनीति कहां सीखी? राजनीति से काम चल गया, अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब जो करेगी जारा करेगी। और मम्मी, एक बार ऋषि फेल हो गया ना अपने काम में, उसके बाद इंदिरा को ना अपा अपने ढंग से ठीक करेंगे। अब बेवकूफ बेटा, तेरे इतने से दिमाग में ये बात कब जाएगी? अरे हमें इंदिरा को ठीक नहीं करना है, क्योंकि 20 करोड़ का घर अब उसके नाम है। अगर वो ठीक हो गई ना तो ये घर हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक होते ही वो हमें दूध में पड़े मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देगी। और तुझे क्या लगता है 20 करोड़ मैं यूं ही अपने हाथ से ऐसे जाने दूंगी? कभी नहीं। ओ माँ, 20 करोड़ का ये घर हमारा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है 20 करोड़? कुछ भी सोचवा लो, अरे इंदिरा को मरना पड़ेगा ना उसके लिए। तो 20 रुपए नहीं है मेरी किस्मत में यार, मेरी तो लाइनें मिट रही हैं। क्या बात है, आपका दिमाग है ना बिल्कुल लोमड़ी के दिमाग की तरह चलता है। इंदिरा अगर मर गई तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, और एक पागल शौक से कभी भी मर सकता है। एक सेकेंड, क्या सोच रहे हो तुम? ब्लडी क्रिमिनल यार, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किसी को मारोगे पैसों के लिए? तुम एक सेकंड में ये ख्याल बाहर निकाल दो यार, आउट इट। इस घर में रह के ना मेरी दारू कभी नहीं छूट सकती यार। अरे सविता, अरे जाने दे इसे, मेरा बेटा है ना बेवकूफ है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा दिया है। शाबाश।